हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कर्ड ऑपरेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। कर्ड ऑपरेशन में क्रिएट, रीड, अप टू डेट, डिलीट जो फंक्शनलिटी है उस सब चीज़ को हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सिस्टम पे। सबसे पहले मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रेट, ओपनिंग स्टॉक किया है, एक्साइज का बटन दिया और एक ग्रेड भी लिया, टाइम में सेट किया, बटन यूज किया। और इसके बाद डेटाबेस पर अगर नज़र डालें तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट आईडी इंटीजर नॉट नल है, प्रोडक्ट नेम है, एंड कैरेक्टर कैटेगरी, एंड कैरेक्टर रेट, रेट को हमेशा हम लोग डेसिमल में डिफाइन करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को इंटीजर रखते हैं। और इसका जो डेटाबेस है इसका टेबल में हम लोग देख लेते हैं, टेबल एक प्रोडक्ट टेबल डिफाइन किया हुआ है, डिजाइन व्यू प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, डेट एंड ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्ट जो है इसको प्राइमरी की यूज किए हुए है, प्राइमरी की जो ऑटो जनरेट होगी, ऑटो जनरेट के लिए आइडेंटिटी को भी नो करके रखे क्योंकि कोडिंग के थ्रू इसको ऑटो जनरेट करवाएंगे। सो फ्रेंड, देन रन दिस प्रोजेक्ट, स्टार्ट। ओके, प्रोडक्ट आईडी ऑटो जनरेट है, मोबाइल फोन, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट 15,000, ओपन स्टॉक 4, देन सेव। यस, सक्सेसफुली सेव। मोबाइल एंड्रॉइड 15,000, ओपनिंग स्टॉक 4। तो ये जो कार्ड ऑपरेशन में बेसिकली क्या होती है इसको क्लियर कर लेते हैं। कार्ड ऑपरेशन में बेसिकली जो मेथड होती है, आप इसको सेव कराइए और जो भी डेटा है इसको डिस्प्ले करना है और इसको अप टू डेट भी कर सकते हैं और लास्ट में डिलीट कर सकते हैं। कार्ड CRUD क्रिएट, रीड एज इज, डिस्प्ले एंड अप टू डेट और फाइनली लास्ट में आप इसको डिलीट। यह जो प्रोग्राम है VB.NET में है, VB लैंग्वेज इसमें यूज किया गया है, VB.NET लैंग्वेज इसमें यूज किया गया है। फ्रेंड, इसको इस प्रोडक्ट को मैंने सेव किया, देन अप टू डेट। मोबाइल फ़ोन को आप अप टू डेट कर सकते हैं, देन अप टू डेट एंड फाइनली लास्ट में आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, देन प्रोडक्ट इज डिलीटेड। सो ऑल प्रोडक्ट फंक्शनलिटीज में यूज करते हैं, डिलीटेड। ओके, फोन एंड्रॉइड 15,000, देन ओपन स्टॉक 15, देन सेव एंड लास्टली आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर सर्च बाय प्रोडक्ट। तो फोन ऑलरेडी सो ले आईफोन, देट दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल, इसमें डेटा अवेलेबल है इसलिए शो नहीं कर रहा। आइए इसके कोडिंग पे हाँ देख लेते हैं, कोडिंग किस प्रकार से किया गया है। डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक क्लास डिफाइन किया गया है, पब्लिक रीड ओनली एज ए सी एज ए स्ट्रिंग डेटा सोर्स, लोकली इनिशियल कैटलॉग, डेटाबेस कार्ड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। नाउ क्लिक फॉर्म, देन सब्जेक्ट इम्पोर्ट सिस्टम नेम स्पेस, इसमें जो यूज किया गया है इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, क्लियर करने के लिए सब यूज किया गया है। BTN ऑटो जनरेट, इसमें जो आईडी है उसको आपने कैसे ऑटो जनरेट करवा रहे हैं, इसमें डिम इंटीजर, कनेक्शन UCS, कनेक्ट SQLize, सिलेक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, CMD इज न्यू, CMD SQL पैरामीटर को यहाँ पे पास कर दिए, CMD इज cmd.connection.con is null, db value cmd.execute escalate यूज किया है, number is equal to 1, then txt product as it takes is equal to number.scan, else number is equal to cmd execute escalate plus 1,
TXC product ID, number of vesting, CMD dispose, connection clause और last में disclose। इसके थ्रू आप जो ID है उसको ऑटो जनरेट करता है। देन सेव फंक्शनलिटी, सेम फंक्शनलिटी में फैक्सिलिटी में जो टेक्स है उसको क्लियर करना है। ट्रिम फंक्शन यूज करके कनेक्शन इज टू न्यू SQL कनेक्शन, कनेक्शन इज ओपन प्रोडक्ट एट विथ वैल्यू, डेटा को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट करने के बाद अप टू डेट, अप टू डेट क्यूरी यहाँ पे यूज किया गया। उसके बाद जो डेटा है सिलेक्ट इंडेक्स माउस क्लिक पे टेक्स्ट में डिस्प्ले करना, तो इसको सिलेक्ट इंडेक्स चेंज करवाते हैं दैट फंक्शन के साथ। नंबरिंग जो ग्राफिक है डेट व्यू को उसको यूज करते हैं। व्यू ऑल प्रोडक्ट और नेक्स्ट कर्जर डिफॉल्ट टाइमर यूज किया गया है। व्यू डिलेक्ट का अगर कोडिंग देखें का यहाँ पे एक क्लास डिफाइन किया गया है। इस प्रकार से डिलेक्ट कोडिंग करते हैं। फैन फाइनली यहाँ पे अगर डू यू वांट टू डिलेक्ट दिस रिकॉर्ड, अगर यस तो डिलेक्ट हो जाएगा, नो तो नहीं। फॉर्म लोड पे रिसेट यूज किए गए, रिसेट का जो भी टैक्स है उसको क्लियर करने के लिए कोडिंग किया गया है। नेक्स्ट पर भी रिसेट का कोडिंग किया है। और डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए ग्रेड व्यू में कनेक्शन इज न्यू कनेक्शन यहाँ पास किया गया है। कनेक्शन को ओपन यहाँ पे जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद इसको रीड करवा दिया गया है। या कार्ड ऑपरेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपने ये जाना कि अप टू डेट डिलेक्ट एंड डिस्प्ले कैसे करते हैं। सो फ्रेंड अगर आप इस वीडियो से ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।